स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। द प्रोसेसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर नोन एज फिजिकल चेंज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एटेक्स्ट्रा। जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो उसको दोबारा गर्म करने पर जो क्रिस्टल बनेगा वो फिजिकल चेंज होगा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। अब आता है केमिकल चेंज। द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर नोन एज केमिकल चेंज। सच प्रोसेस इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, कुकिंग फूड एटेक्स्ट्रा। और जो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, एंड जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोई भी केमिकल चेंज अगर हम कन्फर्म करना चाहें तो उसमें कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं। अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं आते हैं तो हम लोगों को वो रिएक्शन में परेशानी होती है कि वो रिएक्शन हुई है नहीं हुई है। उसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चारों एक इसमें PPT और आएगा, वो अभी थोड़ा लेबल बड़ा होगा तो बता दिया जाएगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। अब मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पूरी तरह से बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है चेंज इन स्टेट। कैंडल जो कि अपनी पहले से सॉलिड स्टेट में थी और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद आती है चेंज इन कलर। तो जो K1O4 होता है वो थोड़ा पिंक कलर का होता है, और लेमन जूस इसमें अगर एंटर करते हैं तो वो K1O4 अपना फेड कलर कर देता है। अब आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में जैसे कि जो HCl का एक कोई बीकर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जैसे जिंक के ग्रैनुल्स डालेंगे तो जिंक ग्रैनुल्स पर्टिकुलरली उसमें से गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो पार्ट है उसमें जिंक डालते ही उसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकली थी, तो उसकी वजह से ये वाले टेस्ट ट्यूब या मतलब इसके बीकर में पर्टिकुलरली हीट ऑब्जर्व हुई। इससे ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करते समय हमें पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप ले लेनी है और उसे होल्ड कर लेना है प्रॉपर हाइट से, जितना बुनसन बर्नर हो उसके हिसाब से हमें उसकी टंग से उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के और उस मैग्नीशियम रिबन को उस बर्नर के पास लेके आना है और बर्निंग स्टार्ट करनी है। तो जो एस कलेक्ट होगी वो बॉच ग्लास में हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उसमें हमें क्या दिखा, जो मैग्नीशियम रिबन थी वो बर्न हो रही थी विद अ वाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू द वाइट पाउडर। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो वाइट पाउडर था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, विच इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन की गई थी तो मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो बर्न होने के साथ साथ वाइट पाउडर में कन्वर्ट हुई, और वो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट होकर के मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इट कैन बी सेड दैट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी बताता हूँ जिसमें हमें ये बताना होगा कि जो सिल्वर एंकलेट होती हैं, जो तोड़ियाँ जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका कलर चेंज होने पर हम उसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ सिल्वर एंकलेट जो मदर या सिस्टर की लेकर के कलर ऑफ द एंकलेट चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो ओल्ड एंकलेट का कलर क्या था, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व। तो सबसे पहले क्या करना है, वी यूज एंकलेट रेगुलरली, वी नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम द लस्टर वाइट कलर ऑफ द सिल्वर एंकलेट स्लोली चेंजिंग इनटू द ब्लैक कलर। जो घर में दीदी या मम्मी जो तोड़ियाँ पहनती हैं उन तोड़ियों में जो कलर होता है वो धीमे धीमे सिल्वर का थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होने लग जाता है। तो सिल्वर एंकलेट हैज गेट टर्निस्ड। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो चेंजेज ऑफ कलर ऑफ एंकलेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, यानी कि जो सिल्वर सल्फाइड होता है उसकी वजह से हो जाता है। अब ये सिल्वर सल्फाइड आया कहाँ से, जो कि रिएक्शन होता है सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड का इन द एयर, क्योंकि एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड
एक पर्टिकुलरली अंडे की सड़ी हुई बदबू की तरह होती है। सिल्वर के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसके बाद बेटा मुझे थर्ड आपको एक्टिविटी बतानी है, जिसमें ये बताना है कि इसमें पीपीटी कैसे फॉर्म्ड होता है। तो रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेड नाइट्रेट ले लेना है। उसके बाद टेक पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दोनों सोल्यूशन ही कलरलेस होंगे। एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन स्लोली टू द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व ये होगा कि जो लेड नाइट्रेट था वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, ये येलो पीपीटी फॉर्म्ड करेगा। तो कैसे, कि जो हमने ऑब्जर्व किया कि डीप येलो पीपीटी डॉट यू इज द लेड आयोडाइड, इफ वी मिक्स द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टू द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट येलो सॉलिड पीपीटी अपीयर, यानी कि येलो कलर की सॉलिड पीपीटी आएगी विच अ न्यू केमिकल कंपाउंड नेमली लेड आयोडाइड। यानी कि जो रिएक्शन केवल ये बताना चाहती है कि किस तरह रिएक्शन के बीच में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो रिएक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके बीच में जो बचे हुए अनरिएक्टेड पार्ट होता है वो पीपीटी कहलाता है। बेटा अब मैं आपको फोर्थ एक्टिविटी समझाता हूँ। इस एक्टिविटी में क्या है कि मैं बेसिकली तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, बीकर में ले लेना है। उसमें धीमे धीमे उसमें वाटर मिलाना है। उसके बाद वो इस तरह वाटर मिक्स कराया है कि वो पर्टिकुलरली मिक्स हो जाए, तो हमें क्या फील होगा, बीकर के अंदर क्या ऐसी चीज़ हीट होगी या नहीं होगी, इस सब को देखने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होगा वाटर के साथ और प्रोड्यूस स्लेट लाइम। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड विल बी एकॉम्पनीड बाय द हिसिंग साउंड एंड बबल्स लीडिंग द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चूना होता है, अधिकतर दीपावली पे हम लोग घरों के, जो गांव के क्षेत्रों में अधिकतर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें वाटर मिला करके हम उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हीट निकलती है, यानी कि कलई में पानी मिलाते ही उसके अंदर बुझा हुआ चूना बनना स्टार्ट हो जाता है। बेटा अब हमें ये बताना होगा कि जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है उन एक्टिविटी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन एन एक्टिविटी विच में सजेस्ट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट टू योर आंसर। यानी ये सीबीएसई दिल्ली 2010 में पूछा गया था। इसमें हमें बेटा इन्होंने जो आंसर दिया है उसके साथ साथ हमें जो मैंने आपको एक्टिविटी अभी पीछे बताई है उसमें से कोई भी दो एक्टिविटी हम यहाँ जनरेट करेंगे, उन दोनों एक्टिविटीज़ से हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने जो यहाँ पर एक्टिविटी बताई है वो चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस की बताई है। यानी कि आपको जो अभी कैल्शियम ऑक्साइड वाली मैंने जो अभी रिएक्शन बताई थी उसमें जैसे ही वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और वही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया गया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड हुआ था डिकम्पोज टू द फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन टू द फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म। यानी यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक टेम्परेचर को चेंज कर रहा है और जो CO2 है ये पर्टिकुलरली गैस फॉर्म्ड कर रही है। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से और भी एक्टिविटी में लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको 4 एक्टिविटी बताई हैं और चारों एक्टिविटी में से कोई 2 एक्टिविटी आपको सपोर्ट करनी होगी इस आंसर के साथ। बेटा अब मुझे तुम्हें बताना होगा कि बर्ड इक्वेशन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड मिनरल एसिड मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जिंक में जब HCl को मिक्स करते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी को वर्ड में लिखने की जो सिस्टम है उसी को हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि वर्ड मीन्स, यानी जिंक को हम Zn नहीं लिखना है, ZnCl लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl नहीं लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है। दिस इज वर्ड इक्वेशन। इन अ वर्ड इक्वेशन रिएक्टेंट इज रिटेन इन द लेफ्ट साइड इन द फॉरवर्ड एरो, द प्रोडक्ट ऑफ द रिटेन एंड द राइट साइड ऑफ द एरो। यानी कि एरो जो है वो सिग्निफाई करता है रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद बेटा मुझे तो बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी वर्ड इक्वेशन जो फर्दर इन अ शॉर्ट फॉर्म यूजिंग सिंबल्स,
यानी सिंबल में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ के जो एटम हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जिंक प्लस एस सी एल, जेड एन सी एल टू प्लस एच टू। तो देखो बेटा, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जेड एन, दोनों ही सिंबल में है। अब यहाँ पर आता है एस सी एल, तो सी एल के एक क्लोरीन का एटम है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ दो एच हो गए हैं, तो फिर हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई थी, तो हमारा दो एच जेड एन, जेड एन टू सी एल, टू सी एल। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई।